जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाली तीज व रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है। इस त्यौहार को लेकर महिलाओं में ज्यादा उत्सुकता होती है। वो चाहती है कि हम इस त्यौहार को अच्छे से धूमधाम से मनाएं। इस बार हरियाली तीज व रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए भी बहुत कुछ होगा जो महिलाओं व युवतियों को आकर्षित करेगी। इस अत्याधुनिक त्यौहारी प्रदर्शन का शुभारंभ 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, हम आत्रिया इवेंट हर साल हरियाली तीज राखी की प्रदर्शनी लगाते हैं, ऐसे ही इस साल भी हरियाली तीज व रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैंक्वेट है। इस कार्यक्रम का आयोजन सिप्रा सन सिटी में 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा मेहंदी, तीज क्वीन का कार्यक्रम, तंबोला और सावन का झूला। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर सुंदर स्टॉल आपके तीज और रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए लगाए जाएंगे, जैसे कि डिजाइनर ड्रेस, सूट्स, कुर्ती, सिल्वर ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी, होम डेकोर, हैंडबैग्स, सुंदर सुंदर राखियां, असामी फाउंडेशन की बच्चियों द्वारा बनाए राखियां और अन्य सुंदर चीजें आपको स्टॉल्स पर नजर आएंगे। कृपया इसको आप लोग व्यक्तिगत आमंत्रण समझे और अपनी सभी सखियों के संग आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके साथ ही आप सभी हरियाली तीज व रक्षाबंधन के त्यौहार का आनंद लें। मात्र इवेंट ट्रेवल इंडस्ट्री द्वारा जो आज यहाँ एग्जीबिशन लगाया गया है, उसके बारे में क्या है? सर, एक्चुअली लास्ट 6 ईयर से हम काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी जो है करती है, हम सोसाइटी में इवेंट्स करते हैं और त्योहार के टाइम पे जैसे फेस्टिवल आ रहा है, तीज और राखी, ये एग्जीबिशन हमने पूरे इंद्रपुरम वालों के लिए रखी है। यहाँ पे ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर से हमारे 30 स्टॉल्स हैं, जिसमें आपको कपड़े, ज्वेलरी, राखी, बेडशीट्स, बैग्स, बच्चों के कपड़े, सारी वैरायटी मिलेगी। पिछले 5 वर्ष से अधिक आप लोग काम कर रहे हैं और लगातार ये आपकी जो इवेंट कंपनी है, ऐसे एग्जीबिटर्स को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित करती है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है ताकि वो B2B कस्टमर से कर सके। जी, हमारा यही रहता है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे हम अपॉर्चुनिटी दें, सब हमसे जुड़े, तो हमारा मोटो यही रहता है। और बहुत सारे एग्जीबिटर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग सोसाइटीज में काम करते हैं, जो सोसाइटीज में फ्ली मार्केट लगाते हैं। आफ्टर कोविड बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं कि ये उनका ब्रेड एंड बटर है, वो एवरी मंथ हमारे साथ 4 से 5 इवेंट करती हैं और बाय गॉड ग्रेस दे आर रनिंग गुड, उनका काम अच्छा जाता है। तो इसी तरीके से हम एक ये है कि एक सबको अवसर भी मिल जाता है और एक सोसाइटीज में तो एक वो हो जाता है। यहाँ पे इंद्रपुरम में इंद्रपुरम वासियों के लिए एक तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट कैसे मैं ऐसे लोगों को ऐसे एग्जीबिटर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जो वीडियो में भी आप लोग देख रहे हैं दर्शक, लगातार सारे स्टॉल्स लगे पड़े हैं, फेस्टिवल्स, क्लोथिंग, ज्वेलरी, टॉयज, बच्चों के, सारा कुछ आपने एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित कर दिया है। एक्चुअली 6 साल से काम कर रहे हैं, ऊपर वाले की दया से सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग बहुत खुशी खुशी खरीदारी करते हैं। इंद्रपुरम में इस तरीके की एग्जीबिशन होती नहीं है, तो जितने हमारे फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं, सब एक दूसरे को बताते हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि काम करते करते आपके कॉन्टैक्ट्स बनते जाते हैं, एक दूसरे से लोगों को पता चलता जाता है, सोशल मीडिया से पता चलता है, इंस्टा पे हमारे 10,000 से ज्यादा फॉलोवर हैं, तो लोग वेट करते हैं कि हमारी एग्जीबिशन कब। आज यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या देखने को मिलेगा स्टॉल्स में? देखिए, आज हमारे पास स्टॉल हर तरीके के हैं और उसमें मेन हमारे पास कपड़े, चांदी की ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी जैसे है, सिल्वर राखी है, राखियां हैं, और हमारे पास ये आसमी फाउंडेशन एक NGO है, इनको हम लोग बहुत ही कम प्राइस में स्टॉल देते हैं ताकि ये जो गरीब बच्चे बनाते हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पे लगा भी आप कवर करिएगा, उनको एक अवसर मिल सके, तो उन बच्चों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। क्या कहना चाहेंगे मैम दर्शक को जो आप लोग देख रहे हैं? हम तो यही कहेंगे बस अपना प्यार बनाए रहिए, आए हमारे यहाँ शॉपिंग करें। मैं डॉक्टर वर्स बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, शी इज आर फैमिली फ्रेंड, तो मैम हमेशा आती हैं और खूब इंजॉय करती हैं, खूब अच्छे से शॉपिंग करती हैं, एंड शी रियली वेट कि होगा, और मतलब मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट हमारे कस्टमर है, और सारे एग्जीबिटर्स को पता है कि मैम आएंगे, तो मैम भी वेट करते हैं, हमारे एग्जीबिटर्स भी वेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इनकी कंपनी के बारे में जो आज इन्होंने लगाया और पिछले 5 वर्षों से अधिक ये करती आ रही है? मैं कहना चाहूंगी कि मैं खुद अपना एक NGO चलाती हूँ और इस बस कट्टा ये जो इवेंट करते हैं मैडम, इसके बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंडियन कल्चर का प्रमोशन है ना, और एक ही एक अंडर वन रूफ हमको सारे इंडियन कल्चर को एग्जिबिट करते हुए आइटम्स नजर आ जाते हैं, और वो जो ये एक सबसे खूबसूरत इतने कलरफुल, इतना वाइब्रेंट जो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट्स हैं, एक रूफ के नीचे सारी चीज़ें मिलना,
और उसका एग्जीबिशन रखना अपने आप में बहुत अच्छा फीलिंग देता है। आज कैसा लग रहा है आपको पूरा आपने एग्जीबिशन घूमा, क्या क्या देखने को मिला? मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। सारे स्टॉल्स बहुत खूबसूरत है, इतना कलरफुल है, वाइब्रेंट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं इस बहाने से हम अपने तीज त्योहारों से भी जुड़े रहते हैं, और पहले जैसे हम बस जोशों से मनाया करते थे, धीरे धीरे आप देखें लुप्त होता जा रहा है समाज में। मैं जरूर मैसेज देना चाहूंगी जिस तरह से मैडम ने पहल किया है कि हमारे कल्चर को, हमारे फेस्टिवल्स को इतनी धूमधाम से जो हम मनाते रहे हैं उसको जारी रखें आगे। और सभी मैं चाहूंगी जितने लोग आए सभी कोऑपरेट करें, और बहुत अच्छी बात है प्रमोशन मिलता है इसलिए जी। इस समय आते हैं इवेंट जो ऑर्गेनाइज कराया है मिस तिवारी ने, दैट्स अ रियली अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय एनी वुमेन, बिकॉज सबसे बड़ी चीज है कि इसमें हम एक औरत को सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि लेडीज जो होती है ना, दे पुट लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी व्हेन दे कम आउट, तो ये कितना अच्छा। और हमारा भारतवर्ष तो इतना कलरफुल ऑलरेडी है कि इसमें कलर से भरा हुआ है, हर जगह जाएंगे तो आपको कलरफुल, हर त्योहार में इतने कलर्स हैं, तो ये तो हरियाली तीज है, तो हरियाली तीज तो हमारे लिए एक कहते ना एक औरत के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इसमें औरतें जो है रंग बिरंगे कपड़े और बेसिकली हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े पहनने का ही रिवाज है, और इसको इन्होंने इस थीम के थ्रू जो कि एक इंडियन कल्चर को इन्होंने इतना बढ़ावा दिया है, हर स्टॉल में इतनी कलरफुल चीज़ें हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं क्या से क्या मतलब खरीदूँ, इस जैसा है कि क्या मैं छोड़ूँ और क्या ले लूँ। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी वैरायटी है आत्या इवेंट की तरफ से जो इतना अच्छा काम किया है, दैट्स अमेजिंग। आत्या इवेंट जो है ना, कोई भी इवेंट है जो आत्या इवेंट से दे आर डूइंग रेगुलरली कंटिन्यूसली वर्क फॉर द एग्जीबिशन एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप रेगुलरली इवेंट करते रहते हैं, मार्केट करते रहते हैं और औरतों के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, यू हैव गुड पीपल। आज आपने किया और एक साल तक आपने कुछ नहीं किया तो आप यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो, बट आत्या इवेंट एक कंसिस्टेंटली मार्केट में है, सबको प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हर औरत आती है यहाँ पे, सेल करती है अपने कपड़े, अपनी क्वालिटीज, अपना कहते हैं ना, उसकी जो कोई भी लड़की की जो शॉप है वो उसकी शॉप है, वो उसको जैसे किसी का घर होता है वो उसकी परछाई होता है, तो यहाँ पे हर इतनी सारी औरतों की खुद की परछाई है उनका स्टॉल, ठीक है। तो ये इतना अच्छा मतलब चाहूंगी कि इतना अच्छा धर्म का काम है, मैं आई वुड से बिकॉज एवरी वुमेन इज गेटिंग अप्रिशिएटेड, एवरी वुमेन इज गेटिंग द प्रमोशन, एवरी वुमेन इज गेटिंग प्लेटफॉर्म, दैट्स अमेजिंग। देखिए मैं ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं बोलूंगी, हर औरत ने बहुत अच्छे मतलब कलेक्शंस रखे हैं, बहुत यूनिक हैं, साड़ियाँ अच्छी हैं, मुझे अच्छे सारे अच्छे लगे, मैं किसी एक के लिए क्या बोलूँ, एवरी वन इज सो स्पेशल। मेरा मेन है चॉकलेट्स, हैंडमेड चॉकलेट्स मैं बनाती हूँ, 15 years से मैं ये काम कर रही हूँ। मेरा ब्रांड है चॉको होम, मेरा ब्रांड है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, एंड मेरे राखी पे दिवाली पे गिफ्ट हैम्पर्स आते हैं, और विंटर मैम से मैं 1 year से जुड़ी हुई हूँ, और इनका जो इवेंट होता है वो सक्सेसफुल होता है, मैं 1 year से जुड़ी हुई हूँ उनके साथ, और मेरे एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है, इनका हर इवेंट सक्सेसफुल जाता है। थीम रहता है फेस्टिवल के हिसाब से, 15 अगस्त का तो 15 अगस्त का होता है, राखी का तो राखी का होता है, दिवाली का तो दिवाली का होता है, उस हिसाब से मेरा अलग अलग मेरी थीम रहती है। थीम है राखी का, चॉकलेट्स है मेरे पास राखी की, तो मैं मेरा जो है वो राखी की चॉकलेट्स मेरे पास फिलहाल इस समय है, तो मेरे पास अभी राखी नहीं है, तो मेरे पास ओरियो है, मैरीगोल्ड है, और 5 फ्लेवर तो मेरा एकदम मतलब कि सुपर हिट है मेरा, कि लोग नाम से ही लेकर आते हैं। प्रियंका मैम के साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो स्मॉल एग्जिबिटर्स हैं उनको प्रमोट करती हैं, और शी इज़ वेरी हम्बल एंड पोलाइट लेडी, सबको साथ लेके चलने वाली लेडी है, और इनके 99% या 100% इनके सारे इवेंट सक्सेसफुल होते हैं, ये सबको साथ लेके चलती हैं। मेरी स्टॉल की साड़ीज़ का कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया से है, कोई भी ऐसा जोन नहीं है जिसकी साड़ी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, बाकी मैं सूट्स का कलेक्शन भी रखती हूँ, वो भी सारा ऑल ओवर इंडिया का अलग अलग जगह से है। लास्ट मेरी स्टॉल पे साड़ी 3500 तक लास्ट है, और जो हमारी चीफ गेस्ट है उन्होंने भी अभी मुझसे शॉपिंग की है, शी वॉज सो हैप्पी। विनीता मैम काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और मुझे 1.5 years हो गया है उनके साथ जो है, तो मतलब हर समय उनके इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं कि कहाँ कहाँ स्टॉल्स लग रहे हैं, और बहुत कोऑपरेटिव हैं वो। तो
का ज्वेलरी का ही बेस्ड है जो है, और मेरी बहुत ही सिल्वर रेप्लिका और मतलब ऑल ओवर इंडिया की मेरी ज्वेलरी है जो है, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 199 है वैसे तो, लेकिन जैसे जैसे आप हायर और अच्छी क्वालिटी में जाएंगे डेफिनेटली प्राइजेस तो हायर होंगी, जैसे पोलकी वगैरह है वो सब तो 2000 के ऊपर ही जाता है जो है। बट मेरी जर्नी हैज बीन इनक्रेडिबल, उनके कारण मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं आगे और बढ़ना शुरू हो गई। बट जिस तरीके से वो एक वेंडर के लिए डिटेल में उनकी क्वेरी सुनती हैं, उसको कभी भी वेंडर कॉल करे वापस रिस्पॉन्ड बैक करती हैं, एक ये देखती है कि वेंडर का अच्छे से विजिबिलिटी होए, एक्सेसिबिलिटी होए, जितने तरीके से वो देखती है, मेरे को नहीं लगता कोई और वेंडर देखता है। तो मेरा तो खैर उनके साथ एकदम ऐसा हो गया कि मतलब विनीता जी कहीं पर भी करेंगी मैं वहाँ पे जरूर करूँगी। वेरी नाइस, मतलब वेल एंड गुड भी अंडरस्टेटमेंट है, मतलब उनके साथ तो आंख बंद करके मतलब जैसे विश्वास होता है वैसा है, बिकॉज आई नो कि वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालती है। तो ये मेरी ब्रांड है आरुषि, ये एक्चुअली मेरी मम्मी की ब्रांड है। 89 में हमारा फर्स्ट स्टोर खुला था कमला नगर में, तब से हम लोग बेडशीट्स, कुशन कवर्स, सोफा कवर्स वो सब बेचते हैं। लास्ट ईयर तक दुकान थी, दुकान हम लोगों ने शट कर दी और अब हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशंस कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी विनीता जी करती हैं बस हम एग्जीबिशन करना शुरू हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 100% कॉटन लाते हैं यहाँ पे, और हमारा वाला थ्योरी है ही नहीं कि एग्जीबिशन में महंगा बेचो या बढ़ा के बेचो या फिर उसके बाद डिस्काउंट्स, वो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, पुराना नहीं है, अफोर्डेबल है, क्वालिटी एड पा रहे हैं, किसी का कलर ब्लीड नहीं करता, कोई कपड़ा श्रिंक नहीं करता और सारे के सारे अफोर्डेबल है। तो मेरी जो मैक्सिमम रेंज इवन जो बेडशीट्स में भी जाती है वो मैक्सिमम 1500 से 1900 है, एंड दे आर ऑल 100% कॉटन। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अस्मी फाउंडेशन, तो अस्मी फाउंडेशन बेसिकली हमारे स्किल सेक्टर का ये काम है, सब कुछ हैंडमेड है। इफ यू कैन सी वी हैव अ डिफरेंट कलेक्शन, राखी अभी आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास फैब्रिक राखी में है, क्विलिंग राखी में है, वुडन राखीज भी हैं हमारे पास, देन वी गॉट डिफरेंट थिंग्स, हमारे जैसे ज्वेलरी हो गए, हमारे इयररिंग्स हो गए, नेक पीसेज हो गए, क्विलिंग में है, अगेन फैब्रिक्स में है, टेराकोटा में है, वुडन में है, सो यू कैन चेक आउट दैट कलेक्शन टू। अदर देन दैट हमारे और भी आर्टिकल्स हैं लाइक टिश्यू पेपर होल्डर, ट्रेज हो गई हमारी, वॉल हैंगिंग्स हो गए, गिफ्ट के लिए हमारे जैसे एक बच्चों को देने हो अगर आपको कि पेपर बॉक्स, पेंसिल बॉक्सेस वगैरह, तो वी गॉट डिफरेंट थिंग्स, आप चेकआउट करिए, सब कुछ हमारे स्किल सेक्टर इन गर्ल्स ने बनाया है, सब कुछ अपने हाथों से। तो हम लोग ने पहले भी यहाँ पे स्टॉल लगाया है अपना, तो अगेन मैम ने हमें यहाँ पे चांस दिया कि हम अपना गर्ल्स का एग्जिबिट कर सकें कि उन्होंने क्या बनाया है, क्या क्या वो कर सकती हैं, तो एंड वी सेलिंग इट एवरी टाइम, वी कम अप विद न्यू डिजाइंस, जैसे कि इस बार हमने राखी के नए डिजाइंस और भी लाए हैं। ज्वेलरी में हर बार कुछ इनोवेशन आता रहता है हमारा, तो मेजर हमारा ऐसे ही रहता है कि ज्वेलरी हो गया और हैंडक्राफ्ट हो गए बाकी, लेकिन डिजाइंस हमेशा आपको अलग मिलेंगे। वी हैव मोर देन 200+ डिजाइंस इफ यू सी इन आवर स्टॉल। तो प्राइजेस होंगे लाइक आप देख सकते हैं कि इफ वी हैव, ये वाला बताइए कितने का होगा, ये 50 रुपीज से हो जाएंगे, ये भी कुछ 50 हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस हैं डिपेंडिंग ऑन कि मटेरियल क्या लगा है, मेहनत सब में अलग होती है देखिए कुछ, तो इसलिए उस हिसाब से प्राइजेस हैं हमारे, बट वेरी डिसेंट रेंजेस आई वुड से फॉर अ हैंडमेड। हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं है, गर्ल्स ने जो बनाया वो उनकी मेहनत है, मटेरियल है बस। थैंक यू।